सिर्फ कारपोरेट का फायदा करा रही, मजदूरों के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ये पूरे देश भर के दवा प्रतिनिधि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे, और हम लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश से आए हैं, मैं सतना से हूँ, हमारे जो साथी हैं सब सतना से आए हुए हैं, और पूरे देश भर से लगभग 10,000 से आसपास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो आज आए हुए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी है जो हमारे लिए कानून बनाया गया था, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट 1976 में बना था ये कानून, उसमें स्टैट्यूटरी वर्किंग कंडीशंस रखी गई थी, वो स्टैट्यूटरी वर्किंग कंडीशंस की डिमांड हम कर रहे हैं सरकार से। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं उनको रिवाइव किया जाए, और इसके साथ साथ जो हमारे आज के तारीख में लगातार हमले बढ़ रहे हैं श्रमिकों पर या पूरे लेबर क्लास के ऊपर जो हमले बढ़ रहे हैं उसको जो तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, उस पर लेबर कोड्स को वापस किया जाए, ये तमाम मांगों को लेकर के आज हम यहाँ अपने एक दिवसीय रैली और एक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मजदूरों के लिए करना चाह रही है वो एक तरह से एक आवरण बना रही है, वो एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रही है मजदूरों के लिए। सरकार एक तरफ कहते हैं कारपोरेट के लिए कर रही है, बस कहते हैं हमसे कारपोरेट के मुद्दे उसको दिख रहे हैं, मजदूरों को वो दबा के सिर्फ कारपोरेट का फायदा करा रही, मजदूरों के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ उसको मजदूरों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे उसके वर्किंग आवर को जो है बंधुआ मजदूर की तरह किया जाए, उसको एक बंधुआ मजदूर बनाना चाह रही है सरकार, और कुछ नहीं कर रही है कि कैसे कारपोरेट उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। कारपोरेट को आप कारपोरेट बढ़ाइए ना, आप कारपोरेट बढ़ाइए, लेकिन मजदूरों के हितों को ध्यान में रख के बढ़ाइए। आप उनके साथ आप उन बंधुआ मजदूर बना देंगे कि ठीक है आप अब पहले 8 आवर्स वर्किंग थी उसको ख़त्म कर दिया कि नहीं 12 आवर्स करेंगे हम, आप जब तक चाहे काम करा सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सरकारी नौकरी में लोग काम पे नहीं आते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, आज कितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर कि भर्तियाँ कंटिन्यूड हैं? आप बात करेंगे पिछले कई सालों से लगातार सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। आप आज बैंक चले जाइए, बैंक में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, आज से अगर 10 साल पहले बात करें शायद हर ब्रांच में 15 से 20 एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, आज वो घटते घटते 5 से 6 एम्प्लॉयज़ बचे हैं। काम उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, जनधन योजना कर रहा है वही बैंक एम्प्लॉय लोन भी बांट रहा है, वही बैंक एम्प्लॉय जो है वो एक जनरल काम भी कर रहा है जो हर दिन का है, उसके ऊपर उसको जो जिस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। हम जो बात करते हैं कि वो बैंक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, ये गलत तरीका है, प्रोजेक्शन गलत है, ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का एक बहाना है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं इसीलिए उस विभाग को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्राइवेटाइज करने के बाद क्या करेंगे, वही जो बैंक एम्प्लॉय है, एक जो बैंक एम्प्लॉय को जो एक अच्छी सी सैलरी दी जाती है उसको वो करके एक तरह से संविदा में नियुक्ति दे करके उस एक एम्प्लॉय के बीच में 5 एम्प्लॉयज़ को रखने की उनकी साजिश है सरकारों की, और उन साजिशों के तहत उनका शोषण बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। ये देखिए, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही जो है वो असली मुद्दे को भटकाने के लिए ये इस प्रकार की जो धार्मिक भावनाओं का उन्माद पैदा किया जाना या इस तरीके की जो भावनाएं हैं इनको, ताकि जो है मजदूर वर्ग जो है वो बटा रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में या हर जगह सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, एक होता है शोषित और एक होता है शोषक। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो शोषित वर्ग जो है वो इतना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि शोषित वर्ग की जो बात है वो करने पे जब सरकारें जब आती हैं तो वो उनको डिवाइड कर दिया जाता है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं जो है आपके क्षेत्रवाद के नाम पर। आप देखिए हर जगह यही सब चलते आ रहा है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है सर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कही हुई बातें हैं कि भले ही हम 500 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे लेकिन जो है वोट उनको ही देंगे, लेकिन ये आप जिस व्यक्ति की बात करें
कोई भी व्यक्ति से आप बात करेंगे वो एक्चुअल में आपको बात करेगा, वो यही करेगा कि नहीं वाकई महंगाई बढ़ी है, वाकई हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उस बारे में हमारे उसमें बात होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कहना चाहिए जो आईटी सेल है इनका, वो चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है 2 रुपये का ट्वीट करवा करवा करके हर दिन, वहाँ से जो है जिस तरीके की बातों को परकोलेट किया जाता है लोगों के बीच में, वो है जो हमारे देश की एक्चुअल मुद्दों को हाईलाइट नहीं होने देता। हमारा जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम दवा प्रतिनिधियों से संबंधित जो मांगे हैं, हमारी जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट है वो कानून को ही इन्होंने ख़त्म करने की साजिश की है। तो हमारी पहली मांग तो है कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को ही जो है बचा के रखा जाए, उसको रिपील ना किया जाए। प्लस जो हमारे लिए जो एक समानांतर वर्किंग नियम बनना चाहिए, स्टैट्यूटरी वर्किंग नॉर्म्स, उनकी हमारी डिमांड है। जीएसटी जो दवाओं के ऊपर लेते हैं वो जीएसटी 0% होना चाहिए, क्योंकि दवा कोई शौक से नहीं खाता है, दवा एक आपके जीवन और मरण के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें किसी प्रकार का टैक्स या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। थर्ड, देखिए हमारा जो संघर्ष है वो तो पिछले इतने वर्षों से चला आ रहा है, और लगातार हम अपने संघर्षों के बलबूते ही इन सरकारों से, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, हम हर सरकार से लड़ते आ रहे हैं पिछले 40-50 सालों से, और हमारी जो संघर्ष हैं उन्हीं संघर्षों का नतीजा है कि आज हम अपने जो भी अधिकार हैं उनको हम बचा करने में सफल हुए हैं। अभी तक मांगे पूरी होती रही हैं, और जो जिन मांगों को पूरा नहीं किया जाता उनकी फिर हम अपनी जो है मांग करके थे। जैसे पिछली सरकारों ने हमको कुछ मांगे थी, कुछ मांगों के ऊपर हमारी बातें रह गई थी, यह सरकार आई इसने हमारा जो कानून था उसको ही रिपील करने का काम करने लग गई। जब वो उस कानून को ही हटाना चाहती है तो हमको फिर मजबूर होकर वापस से सड़कों पर आना पड़ा। देखिए हमारी तो उम्मीद पूरी है और हम संघर्ष ही इसीलिए कर रहे हैं, हमारे जो संघर्ष हैं भाई ये सड़कों पर हमारे एक मजदूर वर्ग क्या कर सकता है, संघर्ष करेगा। देखिए हम तो हर बार यही चाहेंगे कि सरकार बदले, क्योंकि एक मजदूर का जो है हर सरकार से अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए जो है वो उसको मांग करने की जो है वो रहती है। तो यही हमारी प्रयास रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे।